अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ गयूर अहमद। गयूर चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, प्रॉपर्टी की ये 65वीं वीडियो है। आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कराची में एक ज़बरदस्त मकान 160 गज़ का, जिसमें दो चलती हुई दुकानें भी हैं बराए फरोख्त। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं और इस सिलसिले में हमसे तआवुन चाहते हैं, तो फिर फ्री प्रमोशन या पैड प्रमोशन के लिए हमसे इस व्हाट्सएप नंबर पर रابطہ कीजिए जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, सनअती, तजारती, तालीमी, मवासलाती और इकतसादी मरकज है। मकान बराए फरोख्त दो दुकानों के साथ 160 गज, कीमत 50 लाख रुपए, बल्दिया टाउन कराची। दोस्तों, ये मकान बराए फरोख्त है। ये जो मेरे पीछे आपको मकान नज़र आ रहा है, ये है बराए फरोख्त मकान 160 गज का। ये दुकानों से लेकर ग्रे कलर का जो मकान है, यहाँ तक पूरा इसका एरिया है। बल्दी टाउन के सेक्टर 7 में वाक़ है। इसके अंदर दो दुकानें हैं, दो कमरे हैं, दो बाथरूम है, एक किचन है। टाइल्स लगी हुई हैं अंदर और मार्बल फर्श है। बिजली, पानी, गैस मौजूद है। वेस्ट ओपन है। कॉर्नर का मकान है। दोस्तों, ये मकान टाइल बीम का है और ये इसका जीना है सहन के अंदर। बहुत खूबसूरत शानदार जीना बना हुआ है, सीधा जीना बना हुआ है, अच्छा है जीना। दोस्तों, एक कमरा ये है, बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है, शानदार है, कलर भी बहुत अच्छा हुआ है। ये दोनों कमरों के सामने का मंजर है, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कमरे किस तरफ हैं। अंदर पूरे कमरों में, पूरे घर के अंदर मार्बल लगा हुआ है। यह है किचन, टाइल्स भी लगी हुई किचन के अंदर। बेहद खूबसूरत और साफ़ सुथरा किचन है, बड़ा कुशादा किचन है। कलर भी अच्छा हुआ है, गैस भी मौजूद है, पानी भी मौजूद है, बिजली भी मौजूद है। ये बाथरूम है, बाथरूम के अंदर टाइल्स भी लगी हुई हैं। दोस्तों, अब हम दोनों कमरों को देखते हैं। पहले इस कमरे में दाखिल होंगे और ये कमरा आपको दिखाएंगे। ये देखिए दोस्तों, कुशादा, अच्छा साफ सुथरा कमरा है, टाइल बीम का ये घर बना हुआ है। दूसरा कमरा ये है, ये कमरा भी अच्छा है। अभी क्योंकि आजकल बारिश हो रही कराची में, इस वजह से इसका कलर कुछ हल्का पड़ गया है। ये है किचन, किचन में टाइल्स भी लगी हुई, मार्बल भी लगा हुआ है और फर्श पे भी टाइल्स लगी हुई हैं। निकासी का निज़ाम भी अच्छा है, बड़ा और कुशादा किचन है। इसके अंदर फ्रिज भी रखा जा सकता है, साफ़ सुथरा किचन है। ये किचन के बाहर सहन, जिसको डाइनिंग एरिया भी कह सकते हैं, और ये दो कमरे हैं। इस कमरे में बेड है और अटैच बाथ भी है। मार्बल यहाँ पर भी लगा हुआ है, बड़ा कमरा है ये भी। फैमिली यहाँ मौजूद है, फैमिली यहाँ रहती है इस घर के अंदर, बस थोड़ी सफाई की ज़रूरत है। दोस्तों, आगे आपको इस घर की ऑनर आपको तफसीलात बताएंगी। दूसरे कमरे में ये भी उतना ही बड़ा है, कलर बिल्कुल फ्रेश है और ये भी उतना ही बड़ा है जितना वो कमरा है 14x15 का, और ये भी उतना ही बड़ा है। हमारा रूम पूरा मार्बल है, की है। भी आएगा, बस आके बैठना है, सारा काम इसका कंप्लीट है। ये टीवी लाउंज है, ये सेन है, और सीढ़ी के नीचे अभी कुछ बना हुआ नहीं है, ऐसे ही पड़ी हुई है। ये है टैंक, मतलब जैसे कि मेन गेट से अंदर दाखिल होते हैं तो टैंक बना हुआ है, बहुत बड़ा टैंक है। इसमें बड़ा टैंकर, डबल टैंकर आ जाता है, इतना बड़ा टैंक। मेन गेट दो हैं, एक सीढ़ी के साथ है। अगर हम अलग से रूम घर वगैरह बनाते हैं तो ये मतलब सीढ़ी से अलग से एक छोटा सा हमने दरवाज़ा लगाया हुआ है, और ये है बड़ा मेन गेट। ये सेन है, और यहाँ पे ये टीवी लाउंज, और ये सीढ़ियाँ हैं। टैंकी भी है छत पे रखी हुई।
रेप्टाइल है, ये इसकी डिजाइनें हैं। ठीक है, और किचन पूरा ट्रायल है, लेकिन बॉक्स वगैरह अभी नहीं बनाए, अभी काम थोड़ा सा इसका रहता है, वो हमने नहीं किया। ये बॉक्स वगैरह और काम नहीं, लेकिन बॉक्स वगैरह बनाने हैं तो वो हमने नहीं बनाए, और बाकी सारा काम इसका कंप्लीट है। कलर भी फ्रेश है, अभी करवाया, लेकिन थोड़ी सी बारिशें हुई हैं तो इस वजह से थोड़ा सा मतलब कलर ऐसा हो गया है, लेकिन कलर हमने फ्रेश कराया है। अभी बॉक्स वगैरह नहीं लगे हुए, बाकी बिल्कुल अच्छा बना हुआ है। बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा हमारा किचन है। दूसरे कमरे में ये भी उतना ही बड़ा है, कलर बिल्कुल फ्रेश है, और ये भी उतना ही बड़ा है जितना वो कमरा है 14x15 का, और ये भी उतना ही बड़ा है हमारा रूम। पूरा मार्बल है, 36 फीट बॉर्डर ट्री आती है, भी आएगा, बस आके बैठना है। सारा काम इसका कंप्लीट है। ये टीवी लाउंज है, ये सेन है, और सीढ़ी के नीचे अभी कुछ बना हुआ नहीं है, ऐसे ही पड़ी हुई है। इसकी चार दीवारी बहुत बड़ी है, अगर खड़े हो जाते हैं तो साइड में से कोई नजर नहीं आता, मतलब कि और ये छत है हमारे जो शॉप्स हैं उनकी है, उनकी मतलब शीट वाली है, उनकी अभी वो बनी हुई नहीं है, ये अलग से ही। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, कम से कम एक लाइक का हक तो बनता है। अगर आप इस मकान को खरीदना चाहते हैं या विजिट करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिए व्हाट्सएप वॉइस मैसेज के जरिए। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।